हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको सर्विस रिमाइंडर कैसे रिमूव करना है। गाइस, ये BS6 पल्सर 150 सिंगल डिस्क में, सिंगल डिस्क हो या ट्विन डिस्क हो या 180, आपको इन सभी बाइकों के सर्विस रिमाइंडर कैसे रिमूव करना है। गाइस, मैंने इस बाइक की पूरी कम्प्लीटली सर्विस कर दी, लेकिन बाइक अब भी इग्निशन स्विच ऑन करने पर सर्विस के लिए इंडिकेट कर रही है। तो आपको सर्विस रिमाइंडर कैसे रिमूव करना है, इस वीडियो पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यह है ट्रिप 1, यह है ट्रिप 2, यह है ऑडियो। इसे आपको ऑडियो के ऑप्शन पर रखना है, फिर आपको रिसेट बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको इग्निशन स्विच को ऑफ कर देना है करीब 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड के बाद हमें फिर से इग्निशन स्विच को ऑन करना है। हमें रिसेट बटन को तब तक दबाए रखना है जब तक सर्विस इंडिकेटर ब्लिंक ना करने लगे। कुछ ही सेकंड में सर्विस इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेगा। जैसे ही सर्विस इंडिकेटर ब्लिंक करने लगे, हमें रिसेट बटन से अपनी उंगली हटा लेना है और दोबारा से रिसेट बटन को प्रेस करना है। इस बार हमें रिसेट बटन को तब तक दबाए रखना है जब तक सर्विस इंडिकेटर पूरी तरह से रिमूव ना हो जाए। तो गाइस, आप देख सकते हो सर्विस इंडिकेटर रिमूव हो चुका है। तो गाइस, आपको भी ऐसे ही पूरी कम्प्लीटली सर्विस कर लेने के बाद सर्विस रिमाइंडर को रिमूव कर देना है। गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज, अगर आपको अब भी कुछ समझ नहीं आया हो, आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और गाइज, अगर आप चाहते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, BS6 बाइक से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।